राधे श्याम। तो हम आ गए चांदनी चौक, और चांदनी चौक क्यों आया हूँ ये आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा, तो आप लोग बस अभी ब्लॉग को देखते रहें। जय जय चांदनी चौक में है, घुसते ही मुझे दिखा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली। तो ये है यहाँ पर चांदनी चौक में, बहुत सुंदर है। हमारे साथ मिल गए हैं हमारे को अमन प्रभु। अभी बोल तो प्रभु, अभी हम नहीं बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा पूरी वीडियो को। अमन प्रभु यहीं रहते हैं पास में, तो इन्हों कॉल करके मैंने बुला लिया, थोड़ा तंग करा इनको। अरे नहीं नहीं तो प्रभु, और कल हम कहीं जा रहे हैं प्रभु, उसके अभी डिस्क्रिप्शन बताएंगे। कल का ब्लॉग बनेगा बहुत टेढ़ा, पहले हम करेंगे गंगा स्नान। हाँ हाँ, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो हम जा रहे हैं उत्तराखंड, तो अभी फिलहाल यहाँ का आनंद लीजिए और देखते हैं। श्री राधे श्याम। जहाँ मैं जा रहा हूँ मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, आपको उतरना है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 से एग्जिट करेंगे आप, और वहाँ से आएंगे लाल किले की तरफ, शीशगंज यहाँ पर गुरुद्वारा है, वहाँ से फिर आपको राइट लेना है, ठीक है, राइट लेना है, फिर सीधा सीधा जाना है और कटरा नील पड़ेगी यहाँ पर, उसके बाद मैं आगे का आपको रास्ता बताता हूँ, आप चलते रहिए हमारे साथ। तो आपको थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पर है गली गंडेश्वर, वहाँ से आपको उल्टे हाथ में मतलब लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाना है और सीधा सीधा चलना है थोड़ा सा, और आप अपने मंजिल पे पहुँच जाएंगे। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, यहाँ से रास्ता है, हम पहुँच गए हैं यहाँ पर लाडली जी सरकार के पास। यहाँ पर सेम दिख रहा है हमारे लाल जो लाडली जो के श्री। जय लाली जी सरकार के मंदिर में, तो ये यहाँ पर पड़ता है चांदनी चौक पे। तो आप लोग जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को तो यहाँ पर जरूर दर्शन करने आएगा, स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पर हमारे लाली जी और लाल जी, तो आप लोग जरूर दर्शन करने आएगा। गोस्वामी महाराज आज से 300 साल पूर्व यहाँ पर लाली जी स्वयं प्रकट हुई थी, जैसे कि महाराज जी ने बताया। तो अभी इनसे वार्तालाप करेंगे हम और जानेंगे मंदिर के बारे में, कहाँ है, कैसे है, कब क्या हुआ, तो हमें महाराज जी बताएंगे। हम चांदनी चौक, तो यहाँ पर मंदिर है लाडली जी सरकार का, तो आज हम जानेंगे यहाँ के गोस्वामी जी महाराज से कि यहाँ की क्या लीला है, कैसे प्रकट हुए, सब चीज़ आज जानते हैं। वंशीली पहले यहाँ पर किशोरी रमन जी की सेवा थी, तो हमारे वंशीली जी को स्वप्न आया रात में कि यहीं प्रांगण में पेड़ है, अभी तो अमरूद का है, पहले उस समय अनार का होता था, कि मुझे यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर निकालो। तो उस कारणवश कि लाडली जी यहाँ पर प्रकट हुई और यहाँ पर दर्शन देने के लिए लोगों को यहाँ विराजमान हुई 300 वर्ष पहले यहाँ पर प्रकट हुई। तो यहाँ पर कैसा था उस टाइम माहौल, क्या था उस टाइम माहौल? ऐसा था कि जैसे मंदिर को अभी आप देख रहे हैं कि मार्बल वाइट मार्बल है, पहले लाल मार्बल का मंदिर था पूरा, और यहाँ पे तो पीछे अभी दुकानें कमर्शियल एरिया बन गया, पहले पीछे क्या कहते हैं नदी थी पूरी, झाड़बू बोला एरिया पूरी नदी वगैरह सब कुछ, तो तब से लेके अभी तक सेवा चलती गई है लाडली जी की। तो लाली जी की यहाँ पर सेवा हो रही है, तो यहाँ पर हमारे लाल जी कब है? तो लाल जब शिव जी यहाँ पर आई तभी लाल जी यहाँ पर है, तभी लाल जी यहाँ पर। तो यहाँ पर जानना चाहेंगे, जैसे कि बहुत कम भक्तों को यहाँ पर नॉलेज है इस मंदिर के बारे में, तो आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे आए, क्या करना चाहिए? वैसे ही यहाँ पे फेमस इलाका है चांदनी चौक, सबको पता ही होगा पुरानी दिल्ली, तो अगर कोई मेट्रो से आना था तो चांदनी चौक से उतर के रिक्शा लेके सीधे कटरा नील आएँ, कटरा नील के अंदर गली गंडेश्वर, गली गंडेश्वर के अंदर लाडली जी का बड़ा मंदिर, कहीं से ही पूछेंगे आपको बता दिया जाएगा, तो आप आराम से आ सकते हैं।
तो लाल जी के यहाँ पर बहुत सुंदर बिक रहे हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं जैसे कि महाराज जी ने हमें बताया। तो आप लोग एक बार दर्शन कराइए। लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे। जैसे कि महाराज यहाँ पर दिख रहा है कि ललिता सती भी साथ में है, तो यहाँ पर संप्रदाय है जो दलित संप्रदाय है, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहिए। दलित संप्रदाय ऐसे बना कि वंशीली जी ने बरसा, अभी भी वंशीली जी की भजन स्थली बरसाने साहब रंगीली गली से उतरेंगे तो वहाँ पे वंशीली जी की भजन स्थली है। वहाँ पे पहले कूड़े का ढेर होता था, भूरा जिसे कहते हैं अभी ब्रजभाषा में, तो भूरे के ऊपर वंशीली जी ने 12 साल तक तपस्या करी थी। तब जाके एक छोरी आई थी और उनको वो द्वार तक ले गई थी, अटारी तक कि आओ मेरे पीछे पीछे। तो वो स्वयं छोरी नहीं, कोई लाला नहीं था ना कोई छोरी थी, वो स्वयं लाडली जी थी। तब जाके उन वंशीली जी को ललिता सखी ने दर्शन दिए और उनको दीक्षा दी। जय जय राधा ललिता वंशी श्याम, जय जय श्री वृंदावन निसुता, हमारे मंदिर बना और ये ललित संप्रदाय बना। जय हो। तो बताना चाहूँगा कि चांदनी चौक में ये मंदिर है लाडली जी का। तो जब भी आप यहाँ पर मंदिर दर्शन करना है तो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन उतरेंगे, वहाँ से कुछ ही दूरी पे मंदिर है लाडली जी का, बड़ा मंदिर और बहुत ही सुंदर है, स्वयं प्रकट हुई है। और जो लोग बरसाना नहीं जा पाते ज़रूर यहाँ पर आएँ और दर्शन करें। जय जय श्री राधे राधेश। सरकार की जय। बड़ी कृपा हुई, देखिए कृपा ही कृपा बरस रही है बरसाने धाम से यहाँ पर। अब लाडली सरकार, बड़ा मंदिर यहाँ पर चांदनी चौक के पास, ज़रूर आए दर्शन करें। और चांदनी चौक से जस्ट थोड़ी सी दूरी पर है, रिक्शे वाले को बोलना है अपने बड़ी लाडली जी के मंदिर जाएं। स्वयं प्रकट हुई थी 300 वर्ष पहले और यहाँ पर इतनी सुंदर विग्रह हैं, इतने सुंदर विग्रह हैं, आप आएंगे ना मोहित हो जाएंगे। ज़रूर आए दर्शन करें और आनंद लीजिए। और इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय जय श्री राधे। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, दिल्ली वालों तक एटलीस्ट पहुँचना चाहिए, जो लोग बरसाना नहीं पहुँच पाते हैं सबके पास पहुँचनी चाहिए ये वीडियो दिल्ली वालों के। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए दर्शन करें। राधे राधे।